एक्वास्टार नहीं है क्या? कर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज के लिए डिफरेंट वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहां पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहां पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा अबरडीन बाजार बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। सभी भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और जो हमारा निर्दलीय जीता हुआ हमारा ही धीरज भाई का पत्नी है राधिका जी, सबको बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। सब ने एकजुटता दिखाया है और भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला लिया था कि ये टर्म जो है हम लोग TDP के उम्मीदवार को समर्थन करेंगे और 5 साल इस तरह ये गठबंधन चले। और शहर का लोगों का जो अपेक्षा है हम लोगों से, भारतीय जनता पार्टी से, मोदी जी का जो सपना है स्मार्ट सिटी को लेकर, और बहुत सा काम हम लोग चाहते हैं कि इसमें करें, जैसा कि बिल्डिंग वायलेशंस है जो छोटा छोटा, उसका एक वन टाइम सेटलमेंट हो जाए, कुछ एग्जेम्पशन मिल जाए। और टैक्स में भी, प्रॉपर्टी टैक्स में भी हम बहुत सारा बदलाव करना चाहते हैं, जिससे आम जो लोग हैं, शहर के नागरिक हैं, उनको सुविधा मिले। पानी, फुटपाथ, साफ़ सफाई, ये तो हमारा मुद्दा है ही। और अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं म्यूनिसिपल के, ख़ास करके जो सैनिटेशन में है और वर्क्स में हैं, उनको भी, उनका भी जो सर्विस कंडीशन सुधारने के लिए उनको भी जो स्टेटस चाहिए, उनका नौकरी का रेगुलराइजेशन है, 1/3 का मामला, 1/30th का पे का मामला, वो सब भी हम सुलझाने का अपना समय में प्रयास करें। वही मैं जानना चाहता हूँ, म्यूनिसिपल काउंसिल एक दिन पहले यहाँ पे जो उन्होंने तो इस वक्त जो है हम PBMC म्यूनिसिपल काउंसिल में खड़े हैं और यहाँ पर जो है अभी इलेक्शन हुई थी चेयरपर्सन की, तो इसमें जो है सेल्वी जी जो है विजय होकर जो है उन्होंने, वो जो है TDP की उम्मीदवार थी और सेल्वी जी ने जो है अभी यहाँ की जो है नई चेयरपर्सन मैम है। तो आइए अब हम अजय बैरागी जी से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये भी यहाँ पर आते हैं कि इनका क्या राय है। एक सबसे पहले तो मैं इस सेल्वी जी को जिला परिषद के 2023-24 के चेयरपर्सन उन्होंने बने हैं, उनको पूरा भारतीय जनता पार्टी हमारे पूरे परिवार की ओर से, सबके ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा कि सबको मालूम है, इस बार का चुनाव TDP को भारतीय जनता पार्टी अपना समर्थन दिया है और हमारा जो एक इंडिपेंडेंट हमारा राधिका जी, जो धीरज जी का पत्नी, उनका भी समर्थन हम लोग सब मिलके जो है TDP को समर्थन दिया है। इस समर्थन देने का मकसद, पिछली बार जब चुनाव हुई थी तो TDP का जो समर्थन हमें मिला था और एक विश्वास, एकजुटता हम लोग का बीच में हुआ कि एकजुट होकर हम लोग चुनाव लड़े। और पर जैसा हम लोग कविता जी चेयरपर्सन बनी और एक साल बहुत अच्छा से म्यूनिसिपल को चलाई, इस बार भी हम लोग एकजुट होकर TDP के हमारे SLB जी को हम लोग पूरा समर्थन देके हम लोग म्यूनिसिपल का चेयरपर्सन बनाया। मैं आपका माध्यम से पूरा द्वीपवासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, म्यूनिसिपल में बहुत सारा चर्चा विकास को लेकर चल रहा है और हम सभी जानते हैं कि हम लोग का लिए कुछ दिन पहले चुनाव का एक बहुत बड़ा हम लोग का लिए चैलेंज था और उसका बाद में 2 साल तक चुनाव नहीं हुआ, लेकिन चुनाव हुआ और शुरुआत डेवलपमेंट का हम लोगों ने शुरू किया है। बहुत टॉप था, बहुत कठिन था, लेकिन जिन परिस्थिति में आज हम लोग फिर से गठबंधन बना के हम लोग अपना चेयरपर्सन बनाई और पूरा उम्मीद है कि जो विकास का हमारा नारा है
और सबको एक विश्वास है कि हमारे सर का ऊपर में नरेंद्र मोदी जी है, माननीय अमित शाह जी है, माननीय जेपी नड्डा जी है। जो हमारा मुद्दा है विकास और म्यूनिसिपल में बहुत सारा बिल्डिंग वायलेशन का रिलैक्सेशन हो, हमारे वर्क चार्ट मजदूर का, बाकी जो सैनिटरी मजदूर का रेगुलराइजेशन का हो, टैक्स का हो, बहुत सारा काम, फुटपाथ बनाने का, पानी का, बहुत सारा कम्युनिटी डेवलपमेंट करने का जो एक चुनौती है, इसमें मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हम सब मिलके जो मुहिम छेड़ा है इस बार 2023 और 2024 में पहले से भी ज़्यादा विकास होगा। और मैं आपका माध्यम से माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाल ही में माननीय अमित शाह जी का अंडमान निकोबार में दौरा हुआ था और हम लोगों ने माननीय अमित शाह जी से कुछ एडिशनल फंड का लिए उनसे हम लोग निवेदन किए थे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अमित शाह जी जाने का तुरंत बाद 13 करोड़ 45 लाख एक बड़ा फंड जो है म्यूनिसिपल में मिला है। और ऐसा एक विश्वास कि अमित शाह जी अभी बोल कर गए हैं, फिर अगला अमित शाह जी का दौरा अंडमान निकोबार में होने वाला है। मैं सभी काउंसिलर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के TDP के सभी काउंसिलर, हमारे इंडिपेंडेंट काउंसिलर, सभी को अपने ओर से, पार्टी की ओर से और सबका तरफ से, हमारे सभी कार्यकर्ता की ओर से मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग जिस तरह एक विश्वास का साथ में आज ये कामयाबी हासिल किया है, ये विश्वास जनता का साथ में बना रहेगा, सभी काउंसिलर एक दूसरा का साथ में बना रहेगा और आपस में तालमेल का साथ में चलेंगे। और TDP का भी यही कमिटमेंट है कि पूरा 5 साल हमारा साथ में कंधा से कंधा मिलाकर उन्होंने विकास का काम करेंगे। और मैं पूरा जनताओं को, म्यूनिसिपल एरिया के क्षेत्रों के जितने भी जनता है काउंसिल एरिया के और पूरे द्वीपवासियों को मैं एक बार मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो विकास हमारा सपना है, आने वाला दिन में द्वीपों में काफ़ी विकास देखने मिलेगा, यही विश्वास का साथ में मैं अपना बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अजय बरागी जी हम सबसे बात करने के लिए। तो ये थे भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट अजय बरागी जी। जैसा इन्होंने बताया कि TDP इनके साथ जो है अलायंस थी और इसके पहले भी जब इलेक्शंस के पहले हमने जो है न्यूज़, इलेक्शन के बाद जो है हमने जो है न्यूज़ भी कवर किया था, तो उस समय भी जो है अजय बरागी जी और विशाल जौली जी ने हमसे काफ़ी सारे बातें कही थी। तो हम आशा करते हैं अभी जो नेक्स्ट जो हमारे चेयरपर्सन साहिबा जो सेल्वी जी बनी है, वो इससे पहले जो है कविता उदय कुमार जी थी, तो उन्होंने भी अपना जितना उनका टर्म था तो उन्होंने अच्छा काम किया है। तो अब सेल्वी जी उसके आगे भी जो है और अच्छा काम करे, इसी बात को लेकर जो है अब हम TDP के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानिक राव जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे, क्योंकि देखिए एट अ टाइम यहाँ पर जो है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष और TDP के राज्य अध्यक्ष दोनों यहाँ पर खड़े हैं, तो दोनों का अलायंस है इस बात में हम इनसे जानते हैं। सर आप ये बताइए कितने वोट से जो है इनको विजय मिली है? सर 14 वोट से हम जो BJP और तेलुगु देशम पार्टी का गठबंधन का विजय का और जो प्रस्थान हुआ है, इस विजय को भारतीय जनता पार्टी बलबूत से तेलुगुदेशम पार्टी को जो वादा ने दिया था 2022 में उसको आगे बढ़ाने के लिए, और ये जो कम्प्लीटली 5 साल तेलुगुदेशम पार्टी भारतीय जनता पार्टी का साथ में मिल के जाके जो अंडमान का विकास तरीका को बदलने में और आम जनता जो उम्मीद रखा है दोनों पार्टी के ऊपर में उसको कामयाब बनाने में तेलुगुदेशम पार्टी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ने के लिए कोशिश में कंपलसरी हम लोग कामयाब हो जाएगा। उसी तरह जितना भी अजय भैया ने जो बताया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो केंद्र में जो शासन चल रहा है अमित शाह और जो मोदी जी का नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश का विकास का और जो आगे लेके जा रहा है, उसी तरह अंडमान निकोबार का भी बहुत कुछ फंडिंग किया, नया नया जो प्रोजेक्ट लेके आया वो सबको आगे बढ़ाने में तेलुगुदेशम पार्टी भी कंधा से कंधा मिलाकर जाने में सक्षम रखा है। कंपलसरी हमारा जो जातीय अध्यक्ष नारा चंद्रबाबु नायडू जी ने जो एक ऐसा जो मुहिम छेड़ा अंडमान निकोबार में तेलुगुदेशम पार्टी भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर जाने के लिए भी हमको संदेश दिया है, उसको कामयाब बना के आगे का और जाने में
तेलुगुदेशम पार्टी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ में। बहुत अच्छा लगा सर हमें सुन के कि आप TDP और BJP दोनों एक साथ मिलके काम करें तो जनता का जो है विकास होगा, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर जो है दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है एक साथ यहाँ पर एकत्रित है। दोनों ने हमसे बात की, तो अब हम जो है सेल्वी जी से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे, क्योंकि वो जो है आज से यहाँ के चेयरपर्सन है, PBMC म्यूनसिपल काउंसिल के जो है चेयरपर्सन है, तो उनकी भी क्या राय है और उनकी खुशी जो है फूले नहीं समा रही है। हम उनसे भी बात आगे करेंगे। तो आइए, इस वक्त हमारे साथ जो है सेल्वी मैम जो है मौजूद है, जो अब से आज से जो है नए यहाँ के चेयरपर्सन साहिबा हैं, और अब हम उनसे बात करेंगे और जो है 14 वोट से जो है ये जो है विजय हुई है, तो बहुत ही खुशी का यहाँ पर माहौल है, और हम सेल्वी जी से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है इसमें। बताइए। सबका नमस्कार। और क्या सर, मेरे का विश्वास किया BJP पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, मेरे का अजय भाई सर और विश्व हम लोग विशाल भैया सब मिलके मेरे का सेकेंड टाइम आपका बना के DDP को दे देगा अगर बोला था। DDP मेरे का आज कैंडिडेट चेयरमैन कैंडिडेट बना के आज की सीट के सब मिलके सीट के लेके आया। इंडिपेंडेंट और DDP BJP पार्टी सब मिला के मेरे का आज सेकेंड टाइम चेयरमैन के लिए सब हम सक्सेसफुल सीट के आ गया। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी को हम धन्यवाद करती हूँ, विश्वास का पूरा कर दिया, हम भी उनका विश्वास का पूरा करेगा। एक साल टाइम में हम लोग क्या क्या काम करना सब मिला के सारा काउंसिल मिला के हम लोग करेगा, और भी हम लोग डेवलपमेंट काम के लिए हम लोग टेकअप करके उनके साथ भैया लोग साथ मिल के हम करेगा। थैंक यू, धन्यवाद। मैम, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इससे पहले जो हमारी जो चेयरपर्सन साहिबा थी कविता उदय कुमार जी, तो उन्होंने अपना उनका जो टर्म था उन्होंने जो है काफ़ी काम किया है, और उसके बाद जो है मैम अब आप बनी हैं, तो हमें और हमारे द्वीपवासियों को ये बताइए कि आप जो है अभी अपने पद पर बैठ चुके हैं, तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? आप सबसे पहले हम लोग म्यूनसिपल का बैकबोन सैनिटेशन है उसका हम लोग डेवलपमेंट करके लेबर के लिए हम लोग 1/3 है, और उनका रेगुलर करने के लिए हम लोग मिल के BJP पार्टी से हम मिल के काम करेगा। उसके क्या करना एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके लेके जाके उनके लिए हम लोग खुशी उनका लाइफ के लिए हम लोग सेलेक्ट करेगा। फिर आगे हम लोग सैनिटेशन सीटन पोर्ट पे सिटी को नीट एंड क्लीन रखने के लिए हम लोग पूरा हम लोग आग रहेगा, पूरा आग उतर के हम लोग अतर अच्छा काम करेगा। इसका हम लोग पूरा सब पार्टी के सपोर्ट मेंबर्स का सपोर्ट सब चाहिए, उन लोग से मिलके हम लोग काम करेगा। थैंक यू। मैम, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि म्यूनसिपल के जितने भी DRM वर्कर्स हैं वो सब जो है तिरंगा पार्क में जो है अनशन में बैठे हैं, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहिए और उनका जो मांग है तो आप इसके लिए कुछ आप कदम उठाइए। मैम, वो जो है वो लोग काफ़ी परेशान हैं और अभी हम वहाँ से ही होकर आ रहे हैं, तो आप जो है आज से आपने अपना पद संभाला है, उनके लिए आप क्या करेंगे? उनके लिए बोलता हूँ, उनका लाइफ हम लोग लाइफ हम लोग की हाउस वाइफ है, मालूम है उनके घर में 12-13 हज़ार लेके क्या काम उन लोग सी नहीं सकता, इसलिए हम लोग उनके लिए हम कदम उठाएगा। अजय भाई सब साल भैया सब मिल के हम एडमिनिस्ट्रेशन बात करके उन लोग रेगुलर करने के लिए क्या करना हम लोग टेकअप करके आगे मैडम कविता मैडम टेकअप कर दिया, उनका आगे हम लोग कर देगा, उनका सक्सेस होएगा वो हो जाएगा। विश्वास रखना, विश्वास रखने से हम लोग कुछ भी करेगा, उनके लाइफ के लिए हम सब मिल के काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सेल्वी मैम हमसे बात करने के लिए, और जैसा सेल्वी मैम ने हमें ये बताया है कि जितना हो सके वो जितने भी वर्कर्स हैं उनके लिए ये काम करेंगी, तो हम आशा करते हैं कि जितने भी पब्लिक हमें देख रहे हैं वो भी ये सबके और हमारे न्यूज़ को फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन महेश के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, आप सच देखेगा अंडमान।